वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए फाइनल ईयर लोक प्रशासन, पेपर सेकंड, भारत में स्थानीय स्वशासन। हम अध्ययन कर रहे थे भारत में स्थानीय शासन का विकास प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में कैसे कैसे हुआ, जिसमें हम प्राचीन काल का मध्यकाल का अध्ययन कर चुके थे। ब्रिटिश काल का हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला जो चरण है 1687 लेकर के 1981, इसका हम अध्ययन कर चुके थे। आज का जो हमारा विषय है वो है 1882 से लेकर के प्रथम काल जो लिखा हुआ है इसको आप द्वितीय काल ही पढ़ें, क्योंकि प्रथम काल हम पढ़ चुके हैं 1687 से लेकर के 1881। द्वितीय काल है 1882 से लेकर के 1919। इस काल में स्थानीय स्वशासन का विकास किस प्रकार से हुआ। सन 1981 में स्थानीय स्वायत्त शासन संबंधी पूर्व की जो नीतियों थी उनकी समीक्षा की गई और यह अनुभव किया गया कि विभिन्न भागों में नगर पालिकाओं की संख्या और उनकी उपयोग उनकी जो संख्या में वृद्धि होने के बावजूद इन संस्थाओं का संपूर्ण देश में एक जैसा विकास नहीं हुआ है। 1982 में लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव पास किया। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव का उद्देश्य पॉलिटिकली रूप से पब्लिक शिक्षा की प्रगति और विस्तार करना बताया गया। उनका मानना था कि भाई राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा की प्रगति और विस्तार होना चाहिए। यह घोषित किया गया कि इन प्रस्ताव के माध्यम से बुद्धिमान लोगों को स्थानीय शासन के कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसके में कई बार ये प्रश्न आता है। लॉर्ड रिपन का यह विचार था कि शिक्षा के प्रसार प्रशासन में भाग लेने हेतु शिक्षित भारतीय हैं, उनकी इच्छा को देखते हुए बहुत आवश्यक है कि उन्हें प्रशासन में भाग लेने का मौका दिया जाए, और इसलिए उन्होंने कुछ प्रावधान जो उन्होंने कुछ जो कार्य किया उसकी कुछ विशेषताएं दो तीन बिंदुओं में आपको समझाता हूँ। प्रांतीय सरकारें स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं को उनके संवर्धन के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए, प्रांतों में स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास किया जाए, जनता को राजनीतिक शिक्षा मिल सके, स्वायत्त शासन के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कानून बनाए जाएं, नगरीय और ग्रामीण दोनों की संस्थाओं ने निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा जाए। उन्होंने पैरवी करी कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनका नगरीय ग्रामीण संस्थाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए। इन संस्थाओं को समुचित आर्थिक स्वायत्ता दी जाए, जिससे न केवल उनको अपने उन बजट की कोई समस्या उनके सामने न हो। प्रांतीय सरकारें स्थानीय संस्थाओं पर एक अधिनायक की तरह नियंत्रण न करें, अपितु यह नियंत्रण सुधारात्मक होना चाहिए। लॉर्ड रिपन का यह विचार था कि स्थानीय संस्थाओं को ड्यूटी दी जानी चाहिए कि जिला प्रशासन तथा सरकारी विभागों का कार्यभार कम हो जाएगा, साथ ही भारतीय समाज के पढ़े लिखे प्रभुत्व वर्ग के लोगों को प्रशासन में भाग लेने का मौका मिलेगा। जहां तक उनका विचार था, जहां तक संभव हो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो गैर सरकारी लोगों में से ही चुना जाए और जिलाधीश को इसका अध्यक्ष ना बनाया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव दिया था। लॉर्ड रिपन को इसीलिए स्थानीय स्वायत्त भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का फादर माना जाता है। इसके बाद में अगला जो डेवलपमेंट है वो हम पढ़ेंगे कि दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना घटित होती है वो होती है 1909 में रॉयल कमीशन के रूप में। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ने एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया और उन्होंने जो सुझाव दिए वो ये थे कि नगरीय क्षेत्रों पर नगर पालिकाओं की स्थापना की जाए, गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाए, नगर पालिका में अधिकतर सदस्यों को चुनाव होना चाहिए, नगर पालिका को वित्तीय रूप से सक्षम किया जाए, स्थानीय स्वायत्त शासन के समस्त संस्थाओं को अपने कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण इन संस्थाओं के लिए परामर्शकारी और सकारात्मक होना चाहिए, यह नियंत्रण लेखा परीक्षा तक ही सीमित होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं पर होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का पृथक निर्वाचन न होकर उनके मनोनयन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जवाब लॉर्ड रिपन और रॉयल कमीशन और लॉर्ड मेयो, इनकी जब जो इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास किए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही इनकी सोच मानवतावादी थी, इनकी सोच जनता के अधिकार, उनकी सुविधा और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की भी हमको यहाँ पे सुगंध महसूस हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई शुरुआत मान सकते हैं हम डेमोक्रेसी की। तो जब प्रशासनिक दृष्टि से जो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होती है।
तो इस प्रकार से ये दो मुख्य जो इस काल के द्वितीय काल के 1882 से 1919 में दो बड़े लॉर्ड रिपन और रॉयल कमीशन इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगले हम अध्ययन करेंगे 1919 से 1935 तृतीय काल। थैंक यू।